नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतनमान को बढ़ाने को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दे डाली। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम में कार्यरत 1192 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि ने कहा कि अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तनख्वाह नगर निगम द्वारा 15,000 रुपए प्रतिमाह नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से वेतन की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस पर आउटसोर्सिंग के समस्त सफाई कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है कि अगर नगर निगम ने जल्द ही मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। धरने पर मुख्य रूप से सत्यम राही, करण वाल्मीकि, मनीष कुमार वाल्मीकि, अश्वनी कुमार थापा, अमित वाल्मीकि, अमन आजाद, विजय वाल्मीकि, सोहन वाल्मीकि, रोहित वाल्मीकि, राजकमल वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, पुनित कुमार वाल्मीकि, राजू वाल्मीकि आदि लोग उपस्थित थे। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग में कार्यरत नगर निगम में 1192 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन विभाग द्वारा जो इन्हें वेतन दिया जा रहा है 7,500 रुपये मात्र वेतन दिया रहा है, जो एक परिवार को पालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है परिवार। तो मैं आपके माध्यम से सांसद प्रधान जी कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम का सफाई कर्मचारी का 15,000 रुपये वेतन होना चाहिए, उसको चार दिन का अवकाश होना चाहिए, और इन सब मांगों को लेकर 7 सूत्रीय मांग पत्र को बनाया हमने, और हम आपके माध्यम से सांसद प्रधान जी बता देना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगें 11/10/2020 तक पूरी नहीं की गई तो कार्य व्यवस्था ठप कर 12/10/2020 तक हम पूरा कार्य बहिष्कार कर समय व्यवस्था ठप कर देंगे और अनिश्चितकाल के लिए धरने बैठ जाएंगे। आज कितने कर्मचारी आपके साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे हैं? 1192 सफाई कर्मचारी आउटसोर्स में कार्यरत हैं, वो सबके सब यहाँ मौजूद हैं, और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ अपने हकूक और हकूक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा सर्वप्रथम यही कहना है आपके माध्यम से, यदि इनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया जल्द से जल्द, क्योंकि हम पूर्व में भी कई ज्ञापन, कई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से हम विभाग को दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का निदान नहीं हो सका। हमारे सफाई कर्मचारियों को अनदेखी किया जा रहा है, इसी कारण हमने ये निर्णय लिया संगठन ने कि 11/10/2020 तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 12/10/2020 को 4 शहर का कार्य बहिष्कार ठप करके